Let me introduce our guest, the anonymous. YouTube पे डायरेक्ट दे सकते, कोई आइडिया नहीं है. तो मैं तरह तरह के लिंक्स तो मिलेंगे, बट लिंक्स के पीछे क्या चल रहा है वो हम कुछ मतलब है. चल एक बार टेस्ट करते हैं. डार्क वेब और डीप वेब. डीप वेब नहीं बोल सकते आपको, या तो कोई लिंक चाहिए रहेगा या तो आपको कोई पासवर्ड को यूज किया जाता था पॉलिटिशियंस और आर्मी प्रोफेशनल्स के द्वारा. हमने स्टार्ट किया था एक सीरीज विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लोरिंग डार्क वेब, जिसमें हमने तरह तरह के ऑनियन लिंक्स को ट्राई किया था शुद्ध भाषा में. डार्क वेब को एक्सप्लोर करते हुए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था. यू नो व्हाट, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि जो 500 लाइक का एम था वो तो कंप्लीट नहीं हो पाया. स्टिल इट्स ओके. सो अगेन वेलकम बैक टू अ न्यू सीरीज ऑफ एक्सप्लोरिंग डार्क वेब. एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट भी है. डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ करने का मन करे, बी केयरफुल एंड डू एट योर ओन रिस्क. तड़प ही ऐसी है ना. और रिक्वेस्ट ये है कि इस शक्ल को अगर आप पहले बार देख रहे हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि हम कुछ अजीबोगरीब चीजें करने वाले हैं. तो आज के सीरीज में वी हैव अ गेस्ट अलग ही लेवल पे इस सीरीज को ले जाने वाले हैं. सो मेक श्योर टू सपोर्ट अस. तो ओके, वी आर ऑन अवर पीसी स्क्रीन और सबसे पहले मैं अपना गेस्ट को कॉल कर लेता हूँ. ठीक है, और इनवाइट करता हूँ. लेट मी इंट्रोड्यूस अवर गेस्ट द एनोनिमस. मैं नहीं मानता, एनोनिमस वाला ग्रुप वाला कोई नहीं है, मेरा ही एक दोस्त है, साइबर सेक कर रहा है. तो ब्रो कुछ बोलना चाहता है? टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, बंदा थोड़ा सा एनर्जेटिक लग रहा है अभी क्योंकि हमने बहुत सारा ट्रायल कर लिया है. तो अपना जो टॉर है वो रेडी है, लिंक्स है वो भी रेडी है. लेट द गेम बिगिंस, वी आर ऑन अवर पीसी स्क्रीन. तो ये जो पहला वेबसाइट है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली समझाना है, क्या है ये? तो शुद्ध भाषा में जो भी अपडेट्स होते हैं वो सबसे पहले ये पेजेस पे हमें मिल जाता है, बट कितना ट्रस्टेबल है ये हमें कोई आइडिया, वो डू एट योर ओन रिस्क. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वेबसाइट. सो नेक्स्ट वेबसाइट क्या है ब्रो? सेम न्यूज आर्टिकल. ओके, थोड़ा जूम कर सकते हैं? ठीक है, मतलब आर्टिकल्स कैसे टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, मतलब इन द सेंस मतलब क्या क्या हमें मिलेगा ऐसे न्यूज आर्टिकल? लाइक मल्टीपल न्यूज, जैसे जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था उस टाइम पे जितने भी न्यूज लीक्स हो रहे थे मेजॉरिटी इस वेबसाइट में आ रहे थे. ओके, कॉन्फिडेंशियल डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा ऐसे सब मिलते हैं. तो मुझे इतना पता नहीं कि क्या सीन है कि मतलब अपन पब्लिक कर सकते कि मतलब ऐसे सब चीज है, यूट्यूब पे डायरेक्ट दे सकते, कोई आइडिया नहीं है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव, क्या है? थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा और इंटरेस्टिंग वाली चीजें चाहिए. ऑफिशियल वेबसाइट. अच्छा, ऑफिशियल ऐसे डिक्लेयर कर रहे कि ऑफिशियल है, सच में ऑफिशियल है? अच्छा, क्यों ऐसा बोलने का मतलब कोई रीजन होना चाहिए ना शायद. मल्टीपल लोगों ने बोला. अच्छा, ट्रस्टेबल है, मतलब रेटिंग्स होते हैं, जैसे कि हम अमेज़न पे कभी कभी मतलब इतना भी हम बोल नहीं सकते भाई डार्क वेब है. इसके अंदर हमें तरह तरह के लिंक्स तो मिलेंगे, बट लिंक्स के पीछे क्या चल रहा है वो हम कुछ मतलब गारंटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते. हाँ, बट जिसको आता है, ठीक से आता है, वो लोग कर सकते हैं. लाइक इट इज अ प्लेस वेयर यू कैन get things, write things, और अगर आपको चीजें नहीं पता है तो शायद फंस भी सकते हो. तो ये वेबसाइट थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करना, मतलब एक्सप्लोर करो लाइक क्या क्या है अबाउट लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, मिशन एंड विजन, क्या है ये, मतलब इनका ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब सरफेस वेब के अंदर भी ऐसा वेबसाइट है? चलो एक बार टेस्ट करते हैं. यही बातें तो बाद में याद आएंगी. मैं एक बार टेस्ट करता हूँ, रुक जा रुक जा, लाइव टेस्ट करेंगे, दो मिनट रुक जा. इनकॉग्निटो पे करना है? हाँ भाई सेम है, एकदम डिट्टो है, बस इतना है कि एक सेकंड में दिखाता हूँ. हाँ भाई सेम है, एकदम डिट्टो सेम है ये, बस ये का जो सरफेस वेब पे वही सेम चीज है. ऑनियन डॉट ऑनियन का डॉट कॉम, मतलब जैसे डॉट कॉम डॉट है, जैसे कि CIA.gov करके, और एकदम डिट्टो छापा गया है, मतलब डिट्टो सेम ही है, बस ऑनियन लिंक है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. डार्क वेब और डीप वेब. डीप वेब नहीं बोल सकते, डार्क वेब. डीप वेब का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा सकते हैं ब्रो? डिफरेंशिएशन है कि आप डार्क वेब में बिना ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के इजीली एक्सेस कर सकते हो, बट डीप वेब में आपको या तो कोई लिंक चाहिए रहेगा या तो आपको कोई पासवर्ड या किसी भी टाइप का ऑथेंटिकेशन आईडी चाहिए रहेगा, तभी जाके आप डीप वेब कर सकते हो. डीप वेब का मेरे सबसे कॉमन एग्जांपल्स क्या होते हैं कि जैसे कि हम नेटफ्लिक्स के या फिर नेटफ्लिक्स की सर्वर्स के बेसिस में हम कुछ काम करते हैं, तो उसके अंदर हमें पूछा जाता है सर्वर के पीछे, मतलब जो भी हमें मतलब ऑथेंटिकेशन आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड जैसे चीजें पूछा जाता है, वो इट इज काइंड ऑफ लाइक
डीप वेब, है ना, ऐसे बोल सकते हैं ना, बिल्कुल एज एन एग्जाम्पल ठीक ही है। मेजोरिटी डीप वेब को यूज किया जाता था पॉलिटिशियंस और आर्मी प्रोफेशनल्स के द्वारा, क्योंकि सेंसिटिव डेटा को रिसीव और फॉरवर्ड करते थे। तो शुद्ध भाषा में जो भी कॉन्फिडेंशियल चीजें है या फिर जो जिसके थ्रू मतलब डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, बस एक बीच में एक वॉल जैसा सा होता है जिसको सिर्फ आपको एक्सेस करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है, और इसके बाद एक मरेन वेब करके माना जाता है, बट वो एज एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है माना जाता है, जैसे कि मुझे भी जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो माना जाता है कि मरेन वेब ऐसे सारे वेब सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इज देयर एनी ट्रूथ बिहाइंड दिस? वेब जो है वो मरियाना स्ट्रेंथ से आया। आज तक उसने भी मरियाना वेब को एक्सेस नहीं किया है, क्योंकि उस एक्सेस करने के लिए आपके पास मिनिमम 4 क्वांटम कंप्यूटर्स होने चाहिए। ओके, इफ दे क्लेम टू बी नॉन एस मरियाना वेब, मतलब उन्होंने एक्सप्लोर किया करके बोल भी रहे, तो भी एट अ पॉइंट तक हमें पता नहीं, अगर बंदे मतलब इतना कॉन्फिडेंशियल मतलब बंदा है तो अगर वो एक्सेस कर भी रहा है, अगर किसी ने बोला भी है कि ऐसा है, वो थोड़ी ना कोई किसी को ऐसा पता कि घुमा फिरा के पता के चलेगा मतलब। और वैसे मैंने अभी रिसेंटली अपना एक यूट्यूब चैनल, तो वो उन्होंने एक्चुअली एक हॉरर स्टोरी समझाया था उनका, मतलब डार्क वेब का हॉरर स्टोरी जो बहुत ऐसे कॉमन सा था, और मतलब एक्सप्लेन किया था ठीक से कि वो जो हॉरर स्टोरीज है ऑलमोस्ट हॉरर स्टोरीज डार्क वेब के थ्रू जो यूट्यूब में सर्कुलेट होता है वो बस हॉरर के थ्रू सुनने में सही है, बट एक्चुअली वो सीन मतलब उसके पीछे बिहाइंड द स्टोरीज है एंड इट्स नॉट अ ट्रू स्टोरी, ऐसा माना जाता है। और मैंने एक वीडियो भी देखा था और वो भी मैंने मतलब ऐसा सुना, तो मैं बस पूछ रहा हूँ कि ऐसा है तो फिर ऐसे भी होते हैं बहुत सारी स्टोरीज जस्ट कुक्ड अप होता है, तो ऐसा माना जाता है क्या? मेजॉरिटी जितने भी स्टोरीज आते हैं रेडिट से आते हैं, और किसी ने भी आज तक उनके बारे में ज्यादा सुना नहीं है, तो जो लोग लिखते हैं शायद या तो उनको डिमेंशिया है या तो वो लोग एक्चुअल फैक्ट्स मे भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं कि बंदे का मतलब शायद मतलब मेरे ही दोस्त ने बताया, मतलब इसने ही बताया कि सामने उसके ऑपोजिट मतलब कोई रूम में था वो और चैट पे चल रहा था, उसके सामने कोई रेस्टोरेंट पे मर्डर हो रहा था ऐसा कुछ, वो एक स्टोरी एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे मतलब रेडिट में ये स्टोरी काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, यहाँ पे एक इंसान डार्क वेब एक्सेस कर रहा था, तो वहाँ पे वो एक चैट रूम में था, उस चैट रूम में वो लोग एक बुच्चर था जो मतलब काट रहा था एक इंसान को, तो वो एक दिन मतलब जा रहा होता है अपना नीपरा होता है रिंग शॉप रहा होता है, वहां पे वो बुच्चर शॉप को देखता है, और वो बुच्चर शॉप होता है जो उसने उस वीडियो में देखा था, और उसके बाद से आज तक उसने क्लेम किया कि आज तक कभी इंटरनेट को हाथ नहीं लगाया। हो सकता है, मे बी फैक्ट भी हो सकता है, देखो इनके पीछे क्या सीन है वो हम इतना डिटेल बोल नहीं सकते। ओके, जो अपना मेन मुद्दा है उस पर वापस आते हैं, एक्सप्लोरिंग डार्क वेब, सो ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वेबसाइट। सो द थिंग इज डार्क वेब सबसे ज्यादा इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है, इलीगल एक्टिविटीज, उसके बीच में कुछ चीजें काम के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे बुक्स हमें नहीं मिलता है लाइक एक्सेसिबल नहीं होते, बहुत सारे बुक्स या फिर रिसोर्सेज का, वो सब चीजें इस पे हम एक्सेस कर सकते हैं एक्चुअली, है ना? बिल्कुल, जैसे बहुत सारे रिसोर्स रहे वैटिकन सिटी के स्टोरीज के ऊपर, वैटिकन सिटी ने बहुत सारे अपने बुक्स को रिलीज नहीं किए थे, तो वो डार्क वेब में एक्चुअली में एक बार लीक हुआ था, तो वो सारी चीजें फॉर हिडन स्क्रिप्चर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप एक्सेस कर सकते हो डार्क वेब से। ओके, वेल एंड ग्रेट, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। और देखो वेबसाइट्स का नाम शायद बीच में, देखो वीडियोस बनाते टाइम वेबसाइट्स का नाम बीच में कभी डिस्क्लोज हो सकता है, तो अगर आप ट्राई कर, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ सेफ जोन पर रहकर ट्राई करने का ज़्यादा ट्राई, मैं और मेरा दोस्त जो भी है हम मतलब टेल्स पे करते हैं जो सेफ माना जाता है, उसके बाद भी देखो चोरी करने वाले तो चोरी करेंगे कैसे भी हो, है ना ब्रो? 10 USD, USD यूएस डॉलर ही होता है ना, तो होगा नहीं, नहीं मैं ऐसा बिटकॉइंस में ही ट्रांजैक्शन होता है, यूएसडी सिर्फ दिखाने के लिए, पर ट्रांजैक्शन करते टाइम आपको क्रिप्टो की करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेस बैक मतलब ट्रेस बैक कर नहीं सकते ना एक्चुअली हम। प्रॉब्लम जो डार्क वेब के साथ है, यहाँ पे मतलब कोई वेबसाइट एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है आज के दिन, तो कल शायद वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ओके, ये एक नहीं, ये 100% एक प्रॉब्लम है शायद, या फिर लिंक चेंज हो जाए या फिर लिंक रीच आउट नहीं होता है, वो मतलब 404 तो आता ही है ऑलमोस्ट हर एक केसेस में, लाइक मैंने भी लास्ट टाइम मतलब कभी एक विकी लीक्स करके सुना होगा जो हम कंटिन्यू करेंगे, शायद मिले तो सही है, नहीं मिल रहा था एक्चुअली, नहीं मिल रहा था जब हमने इस वीडियो के लिए वेबसाइट्स ढूंढ रहे थे, तो नहीं मिला ना एक्चुअली विकी लीक्स के बारे में, शायद इन लोगों ने हाइड कर दिया या जो वेबसाइट है उसको बैन कर दिया गया। सो ओके, जो विकीलीक्स का
अच्छा विकीलीक्स का मेन ऐसे ही न्यूज़लेटर जैसा जैसे हमने पहले दिखाया था, वेबसाइट दिखाया था जिसके अंदर क्या था वेबसाइट जो कि नाम लेट इट बी अननोन, तो उसके अंदर मतलब ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल जो न्यूज़ेस होते हैं वो सब लीक्स वो सब मिलते हैं विकीलीक्स में। तो हमने रिसेंटली जब वीडियो के लिए लिंक्स ढूंढ रहे थे तब हमें ये एक्चुअली नहीं मिला था। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा ब्रो? रेंट अ हैकर। ये कॉमन जो सवाल होता है, जैसे कि मैंने डार्क वेब का सीरीज मतलब अपलोड किया था, पहला वीडियो जब अपलोड किया था, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जब वो वीडियोस देखने के बाद लोगों को जो टेक फील्ड में है या फिर आईटी सेक्टर्स पे होता है तो उन लोग पूछते हैं कि हैकर्स को रेंट कर सकते हैं, ये एक मिथ सा होता है या फिर मिथ नहीं बोल सकते, मिथ का भाई प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है एक्चुअली ब्रो? मिथ एक्चुअली नहीं होगा, मिथ तो नहीं है बट हाँ कर सकते हैं, बट एक्चुअली रेंट कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, मतलब शायद एक हैकर को हम रेंट करते टाइम पता नहीं चले कि वो अपने अगेंस्ट है कि शायद अपना ही डेटा उठा ले, उठाने के लिए कुछ नहीं है बट स्टिल अपना ही डेटा उठा ले, ऐसे भी हो सकता है, उल्टा भी चैनल। और अगर हमने पे भी कर दिया, अभी बंदा बोल रहा है कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए करने के लिए, अगर हमने पे भी कर दिया तो कितना ट्रस्टेबल कितना हो सकता है? वेबसाइट्स तो बहुत सारे हमें रेंट ए हैकर करके बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, बट इनमें से कितना ट्रस्टेबल है ये नहीं बोल सकते कोई, है ना? ये आपके ऊपर ही आ जाता है कि आप अपना पैसा अपना डेटा किसको देना चाहते हैं। ये जो वेबसाइट है ना थोड़ा एक्सप्लोर करो ना ब्रो, जैसे यहाँ पे देखा जा सकता है कि मिनिमम अमाउंट स्मॉलर के ऑफिस 250 यूरो जो बिटकॉइन के थ्रू ही क्या हो, मैं अपना टेक्निकल स्किल बता के रखा है कि उसको क्या क्या आता है, HTML, PHP, SQL, एज अ साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट ये सब चीजें से मतलब हो जाता है क्या काम, अपना जो काम निकालना है वो हो जाता है क्या? हो जाता है, DDoS अटैक है, okay. इससे आप किसी का भी डेटा ले सकते हो, okay. अपाचे सर्वर बेस्ड सिस्टम टाइप है, एक सर्वर ही है, सर्वर है पता तो वो कर सकता है, यहाँ पे उसने जैसे प्राइसेस भी कर रखे हुए हैं। नहीं वैसे मैंने दो दिन पहले एक टेलीग्राम के बारे में बोला था ना, टेलीग्राम बोट के बारे में, याद है वो कुछ तो था भाई, एक ऐसा चीज हाथ पे लगा है जिसके अंदर मतलब चीज जो है बस जो भी लीक्ड डेटाज है, जैसे कि मेरा ईमेल एड्रेस के थ्रू मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन या फोन नंबर के थ्रू, या फिर आई थिंक ऑलमोस्ट एक कैटेगरी में ऐसा भी होता है कि नाम के थ्रू भी आप जो डिटेल्स है वो निकाल सकते हो जो भी लीक डेटा है, जैसे कि अपना मैंने अपना ईमेल आईडी दिया तो मुझे पता चला भाई मेरा डेटा लीक हुआ है, रिप्यूटेड चीज़ों से मेरा डेटा लीक हुआ, एक्चुअली पासवर्ड तक है उसके अंदर, ऐसा भी बोट है अभी के टाइम पे जो भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, एक्चुअली वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है और आई थिंक ब्रो तूने भी यूज किया था ना? हाँ, सो डेटा कहाँ ब्रीच हुआ था, ओके हाँ, और उसके साथ मतलब एक्चुअली अपना डेटा भी है वो एक्चुअली डार्क वेब पे भी पब्लिकली कोई कोई वेबसाइट्स में अवेलेबल रहता है, अभी रिसेंटली न्यूज आया था इंडिया टुडे में या मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे इसमें आया था, आधार कार्ड का और एक कौन सा था एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा लीक हुआ था एक्चुअली 65 मिलियन लोगों का डेटा लीक हुआ था शायद, ऐसा कुछ था। 4% इंटरनेट छोड़ के बाकी 96% ऑफ इंटरनेट डार्क वेब ही है। सो इस सीरीज में हम ऑलमोस्ट सारे चीजें डार्क वेब का हम कवर करने का ट्राई करेंगे, मतलब कोई भी नए नए वेबसाइट मिल रहे तो हम कवर करेंगे और मेरे साथ मेरा दोस्त भी होगा दी एनोनिमस विच इज हनी हु इज नोन एज दी एनोनिमस, हेल्प करेगा ना अपकमिंग वीडियोस पे। थैंक्स फॉर द सपोर्ट या फिर जो भी चीजें है थैंक्स, अभी दो वेबसाइट्स और अपने किया तो था बट मुझे लग रहा है बहुत वीडियो लंबा छोड़ा जाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग टाइम 25 मिनट्स के ऊपर हो गया और अगर इस वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा कल या परसों मिला के। अनफॉर्चुनेटली इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही था, अगर डार्क वेब सीरीज का पार्ट वन नहीं देखा है मेक श्योर टू चेक इट आउट क्योंकि बहुत सारी वीडियो बना है और भी सीरीज अभी आने वाले मतलब अपकमिंग पार्ट्स भी आने वाला है, मेक श्योर टू सपोर्ट अस और भी तगड़े चीजें हम करेंगे। और अगर आपके पास कोई ऑनियन लिंक्स है या फिर आप शेयर करना चाहते हो ऑनियन लिंक्स डार्क वेब के लिंक्स आप शेयर करना चाहते हो तो अपना टेक कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, टिल देन बाय। और हाँ अगला पार्ट भी रेडी हो रहा है।